मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आसमान के भी पार अंतरिक्ष में भारत की सफलता के बारे में जरूर गर्व हुआ होगा। चंद्रयान 2 पूरी तरह से भारतीय रंग में ढला है। यह हार्ट एंड स्पिरिट से भारतीय है, पूरी तरह से एक स्वदेशी मिशन है। इस मिशन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जब बात नए नए क्षेत्र में कुछ नया कर गुजरने की हो, इनोवेटिव जील की हो, तो हमारे वैज्ञानिक सर्वश्रेष्ठ हैं, विश्व स्तरीय हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पाठ यह है कि किसी भी व्यवधान से घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में दिन रात एक करके सारे टेक्निकल इश्यूज को ठीक कर चंद्रयान 2 को लॉन्च किया, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। वैज्ञानिकों की इस महान तपस्या को पूरी दुनिया ने देखा, इस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। और व्यवधान के बावजूद भी पहुंचने का समय उन्होंने बदला नहीं, इस बात का भी बहुतों को आश्चर्य है। हमें अपने जीवन में भी टेम्पररी सेटबैक्स यानी अस्थाई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमेशा याद रखिए, इससे पार पाने का सामर्थ्य भी हमारे भीतर ही होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 2 अभियान देश के युवाओं को साइंस और इनोवेशन के लिए प्रेरित करेगा। आखिरकार विज्ञान ही तो विकास का मार्ग है। अब हमें बेसब्री से सितंबर महीने का इंतजार है, जब चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की लैंडिंग होगी। यही वह समय है जब देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, कई हिस्सों में देशवासी बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ से कई प्रकार के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। बाढ़ के संकट में घिरे उन सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का काम बहुत तेज गति से कर रहा है। वैसे जब हम टीवी देखते हैं तो बारिश का एक ही पहलू दिखता है, सब तरफ बाढ़, भरा हुआ पानी, ट्रैफिक जैम, मानसून की दूसरी तस्वीर जिसमें आनंदित होता हुआ हमारा किसान, चहकते पक्षी, बहते झरने, हरियाली की चादर ओढ़े धरती, यह देखने के लिए तो आपको खुद ही परिवार के साथ बाहर निकलना पड़ेगा। बारिश, ताजगी और खुशी यानी फ्रेशनेस और हैप्पीनेस दोनों ही अपने साथ लाती है। मेरी कामना है कि मानसून आप सबको लगातार खुशियों से भरता रहे, आप सभी स्वस्थ रहें।